સુરતની દુષ્કર્મ પીડિતાની ગર્ભપાતની અરજી કરાઈ છે। સુરતની હોસ્પિટલને તપાસ માટે હાઈકોર્ટે આદેશ આપ્યો છે। 23 વર્ષની પીડિતાને 25 અઠવાડિયાનો ગર્ભ છે। પીડિતા અને તેના પિતાની માનસિક સ્થિતિનો ઉલ્લેખ કરીને અરજદારે બાળકની જવાબદારી લઈ શકે તેમ નથી તેવું કહ્યું છે। આ સમગ્ર મામલે 1 મેના રોજ વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે। પીડિતાના પિતાના મિત્રએ જ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું। जेना कारणे खबर ज नहोती कि प्रेग्नेंट है। 6 महीना पछी एने पेट में छूक आवे, जेना पछी एना मधर ने कम्प्लेन करे छे अने ए लोको ज्यारे हॉस्पिटल में जाय छे अने डॉक्टर कहे छे कि 6 महीना उपरनो एने गर्भ छे। ए पछी एने अत्यारे सूरत सिविल हॉस्पिटल में एने एडमिट करवामां आवी छे अने अत्यारे अंडर ऑब्जर्वेशन छे अने अत्यारे जे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट होय एनी अंदर एनी स्पेशल केयर लेवामां आई रही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में किया है, ये अंडर दी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंतर्गत किया है, जिसके चलते जो विक्टिम गर्ल है वो 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में है। मेंटली एबनॉर्मल गर्ल है, उसके फादर भी इसी स्टेज से चल रहे हैं। उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है अपनी लाइफ में और उनके साथ जो बनाव बना है, बहुत ही भयंकर बनाव हुआ उनके साथ, और वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो इस प्रेगनेंसी को कैरी कर पाए आगे। इसलिए एक रिक्वेस्ट वहाँ से आई थी, डॉक्टर्स ने उनको एग्जामिन किया है। आफ्टर एग्जामिनेशन डॉक्टर्स ने ये बोला कि शी इज़ नॉट इन ए स्टेबल माइंड, और अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है। 1 मई को रिटर्नेबल डेट है और डायरेक्शंस दिए हैं सूरत के हॉस्पिटल्स को कि लड़की को एग्जामिन किया जाए और रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट की जाए।